हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गाइस, ये जो वर्ल्ड मैंने बनाया था गाइस, आज से लगभग 1 से 2 महीना पहले, एंड गाइस फाइनली गाइस कम से कम 1 महीने बाद गाइस मैं जो अपने इस वाले वर्ल्ड में आया हूँ, जो गाइस काफी ज्यादा लंबा समय होता है। तो गाइस इस वाले वर्ल्ड में गाइस मैं काफी ज्यादा इनएक्टिव हो गया था, क्योंकि गाइस मैं जो गाइस अपना जो मेन वर्ल्ड है, यानी गाइस हमारी जो मेन सर्वाइवल सीरीज है, उसमें गाइस मैं ज्यादा यहाँ पे वर्क करने लगा। जैसे गाइस मैं काफी ज्यादा मैंने जिसमें एडवेंचर वगैरह भी करा था, इसलिए गाइस मैं इस वाले वर्ल्ड को जो यहाँ पे भूल गया था। बट गाइस आप में से काफी सारे लोग गाइस मुझे कहते थे कि भाई जो हमें जो यहाँ पे वन ब्लॉक के एपिसोड भी चाहिए। तो गाइस फाइनली हम जो आ चुके हैं वापस से अपने यहाँ पे वन ब्लॉक के वर्ल्ड में। एंड गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने लिए घर बनाया था, जो कि आपको मेरे पीछे नजर ही आ रहा होगा। एंड गाइस ये घर जो मैंने काफी ज्यादा सही बनाया, एंड गाइस काफी ज्यादा कम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया, जो गाइस काफी ज्यादा सही लग रहा है देखने में। एंड गाइस अभी मैं जो है इसमें जो और भी ज्यादा गाइस यहाँ पे तगड़ी तगड़ी सी चीजें करने वाला है, एंड गाइस काफी कुछ इसमें गाइस मैं बनाने वाला था, कुछ काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो गाइस जो जो लोग भी यहाँ पे चैनल पे नए हो, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो यार। गाइस क्या कर रहे हो अब तक, फटाफट से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी मजेदार सी वीडियोस आने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते भाई डायरेक्ट अपने वन ब्लॉक के वर्ल्ड। ओके गाइस, सबसे पहले तो गाइस आप ये मेरा घर देखो गाइस, इसको मैंने यहाँ पे लास्ट एपिसोड में बनाया था। उसके बाद से भाई साहब मैंने अपना जो है लास्ट ये कहते हैं वन ब्लॉक का वर्ल्ड खेलना यहाँ पे छोड़ दिया था। बट गाइस जब मैं फाइनली इसमें वापस आ चुका हूं, तो गाइस देखो यहां पे मैंने इतनी सारी चेस्ट वगैरह लगाई, इनके साथ ही साथ यहां पे मेरा थोड़ा यहां पे कुकिंग एरिया, यहां पे गाइस मैंने काफी सारे स्मोकर एंड यहां पे फर्नेस वगैरह भी लगाया, जो गाइस काफी ज्यादा सही है। तो गाइस अभी मेरे पे यहां पे आयरन वगैरह कम है, इसलिए मैंने यहां पे ब्लास्ट फर्नेस नहीं लगाए हैं। तो फिलहाल गाइस इसके ऊपर भी गाइस एक फ्लोर है, तो देखो गाइस ये भी गाइस अभी पूरी तरीके से यहां पे खाली पड़ा है, क्योंकि यहां पे मैंने अभी कुछ भी डेकोरेशन यहां पे नहीं करी है। तो गाइस इसमें भी गाइस यहां पे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो फिलहाल गाइस देखो मैंने काफी ज्यादा सही से बनाया था, जिसके लुक गाइस काफी ज्यादा सही लगती है। गाइस ये जो सर्वाइवल के हिसाब से ना गाइस एकदम परफेक्ट यहाँ पे हाउस है। तो गाइस आपको जो ना मैं बाहर चल के भी इसको दिखा देता हूं, ये इसकी यहाँ पे टोटल लुक भाई तो काफी ज्यादा सही है। तो अभी गाइस मैं आपको जो पूरा वर्ल्ड यहाँ पे दिखाता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं है जिनको नहीं पता। तो गाइस जो जो लोग ने पहले देखा होगा उनको तो पता ही होगा। देखो गाइस यहाँ पे मैंने इतने सारे डॉग्स वगैरह को यहाँ पे जो टेम करके रखा, जो काफी ज्यादा सही मेरी जो यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह करते। ओके गाइस अभी यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ पे गाइस टोटल मैंने जो 4 पोलर बियर को गाइस यहाँ पे जो ट्रैप करके रखा, एंड गाइस इनको मैंने ट्रैप नहीं करा गाइस, इनको यहाँ पे मैंने पालने के लिए रखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे वाटर सोर्स है अनलिमिटेड, यहाँ पे मैंने जो लास्ट एपिसोड में एक टेम्परेरी क्या कहते हैं स्टोन फार्म यहाँ पे बनाया था। गाइस देखो यहाँ से गाइस ये लावा एंड गाइस जैसे वाटर आपस में जो टच होते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे स्टोन बनने लग जाता है। उसके बाद गाइस मैं सिंपली यहाँ पे जो माइन करके इनको यहाँ पे ले लेता हूँ। गाइस यहाँ पे गाइस एक मेरा छोटा सा ट्री फार्म, जिससे गाइस मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे जो वुड वगैरह मिल जाती है। तो फिलहाल भाई साहब इसके यहाँ पे लीफ कहाँ गई, तो गाइस मैं एक काम करता हूं, वाली वुड को मैं यहाँ पे तोड़ के हटा देता हूं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं गाइस इसके यहाँ पे लीफ वगैरह कहाँ चली गई। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे ना एक आध यहाँ पे फॉक्स वगैरह भी घूम रहे, क्योंकि उनको मेरे को नहीं पता गाइस वो क्या खाते, वरना मैं जो उन्हें भी अपने फार्म के अंदर रख देता। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो गाइस इधर की तरफ गाइस मेरे काफी सारे एनिमल, एंड गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस मेरे पर टोटल 3 मशरूम का हुआ, जो गाइस काफी ज्यादा रेयर होती है। एंड गाइस अभी तक यार रेन वाली शीप में वो लुगी नहीं, तो कोई बात नहीं गाइस मैं बाद में जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ काफी सारे एनिमल। तो अभी गाइस मैं भागते भागते आगे गाइस अपने यहाँ पे फार्म पे, जो गाइस मेरे यहाँ पे बनाया था मेरे सब्सक्राइबर ने गाइस जो कि बनाया था उसने यहाँ पे दूसरे एपिसोड में, तो गाइस कुछ रीजन की वजह से गाइस वो जो यहाँ पे नहीं आ पाए थे, क्योंकि उसका जो है नेट वगैरह यहाँ पे सही से नहीं चलता, तो वरना गाइस मैं जो उसी के साथ इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाला था। तो इसलिए गाइस अभी मेरे को जो है ऐसे जो अकेला यहाँ पे खेलना पड़ता है। तो गाइस फिर भी गाइस इसमें काफी ज्यादा मजा आता वन ब्लॉक। तो फिलहाल गाइस उस बंदे ने मेरे फार्म तो काफी ज्यादा तगड़ा बनाया था, इसलिए गाइस मैंने जो है अभी तक गाइस बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। एंड गाइस ये जो ना काफी ज्यादा सही वर्क भी करता है, तो वापस से मैं जो सीड वगैरह को यहाँ पे ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ। तो अभी गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ अपने यहाँ पे मेन लोकेशन पर। गाइस यहाँ पे देखो भाई सब कितनी सारी चेस्ट वगैरह है, इनमें जो है गाइस मैंने काफी सारा काम का सामान वगैरह इकट्ठा करा था। देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पोशंस बनाने वगैरह का भी सामान है, तो इसको भी मैं यहाँ पे संभाल के रख देता हूं, जब यहाँ पे जो इसकी जरूरत मेरे को पड़ेगी तो तब मैं इसको जो इस्तेमाल करूंगा। एंड गाइस देखो ये रहा वो वन ब्लॉक, जिसके थ्रू गाइस मैं यहाँ पे माइनिंग कर करके जो ना काफी ज्यादा मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर सकता हूँ। तो फटाफट से मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे माइनिंग करने वाला हूँ। तो अभी गाइस मैं काफी ज्यादा दिनों बाद यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अभी यहाँ पे जो बारिश भी यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है, एंड गाइस यहाँ देखो अभी फिलहाल गाइस मुझे काफी ज्यादा सामान मिला। एंड गाइस यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी है, तो फटाफट से गाइस इसको मुझे यहाँ पे ओपन करने वाला हूं, काफी ज्यादा दिनों बाद आया हूं। भाई साहब गाइस आते ही मेरे को डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया, बट मेरे पे जो ना अभी यहाँ पे जो एक भी हॉर्स नहीं है। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे जो ना काफी सारा आयरन का इसको भी यहाँ पे रख लेता हूं, साथ ही साथ यहाँ पे बोन्स एंड काफी सारी स्ट्रिंग्स वगैरह, तो इसको भी यहाँ पे ले लेता है। एंड गाइस भाई सब आते ही गाइस पहला ही चेस्ट में गाइस मेरे को डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया, वो बात गाइस अलग है कि मेरे पे अभी यहाँ पे हॉर्स नहीं है। तो गाइस कोई बात नहीं, बाद में जो यहाँ पे मेरे पे हॉर्स भी आ ही जाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी मैं जो ना माइनिंग वगैरह को अपनी कंटिन्यू रखने वाला हूं, देखने वाला हूं कि गाइस मेरे को यहाँ पे और क्या क्या सामान मिलने। तो अभी गाइस फाइनली भाई मैं काफी ज्यादा देर यहाँ पे और माइन कर रहा हूं, मुझे काफी ज्यादा तगड़ा तगड़ा सामान मिल गया। साथ ही साथ गाइस देखो मेरे यहाँ पिकैक्स टूट गया, तो मेरे पे आयरन के, तो गाइस मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूं। एंड गाइस अभी यहाँ पे गाइस मैंने गलती
फटाफट से यहाँ पे चेस्ट तोड़ दी। देखो गाइस इसके अंदर से गाइस मेरे को है ना बोन मील वगैरह मिला, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मेरे को जो कॉग वेब वगैरह मिला, तो गाइस इसका भी इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो वापस से बेडरॉक आ चुका है, यानी गाइस इसका जो अभी फेस है ना गाइस वहाँ पे चेंज होने वाला है, यानी गाइस नॉर्मली भाषा में अगर गाइस मैं आपको बताऊं तो गाइस इसकी जो है वो बायोम चेंज होने वाली है। अभी गाइस यहाँ पे डेजर्ट बायोम चल रही थी, तो गाइस अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वाली बायोम आने वाली। तो फटाफट से गाइस पहले मैं जो है अपना बैकपैक वगैरह यहाँ पे खाली कर देता हूँ। तो अभी गाइस फाइनली गाइस देखो मैं अभी यहाँ पे सो के भी उठ चुका हूँ, गाइस यहाँ पे मेरे पे ना गाइस यहाँ पे शुगर केन वगैरह है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टोन वगैरह भी है। तो फटाफट से गाइस मैं जो ना इस सर की साइड पे यहाँ पे आ गया, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे ना छोटा सा एक शुगर केन फार्म बनाना है, क्योंकि अभी गाइस मेरे पे जो ना यहाँ पे विलेजर वगैरह भी गाइस यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। गाइस फिलहाल अभी मेरे पे विलेजर नहीं है, बट यहाँ पे आ सकते हैं, तो गाइस उनसे ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को यहाँ पे शुगर केन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे छोटा सा गाइस एक शुगर केन फार्म बना दे, क्योंकि अभी मेरे पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही शुगर केन है, ज्यादा नहीं, वरना मैं एक बड़ा सा बना देता। तो फटाफट से गाइस देखो मैं एक साइड पर सैंड रखने वाला हूँ, दूसरी साइड पर गाइस मैं जो स्टोन से कवर करने वाला हूँ, बीच में गाइस मैं एक बकेट यहाँ पे वाटर डाल दूंगा सिंपली, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं जो अपने दो शुगर इनका मैं शो ग्रो होने के लिए रख देता था गाइस, ताकि यहाँ पे जो और इनके जो क्वांटिटी बढ़ जाए। तो फटाफट से गाइस देखो फिलहाल इनको मैंने पे प्लांट कर दिया है, एंड अभी मैं जो अपनी माइनिंग यहाँ पे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। इस बार ना गाइस यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे कोल वाली मेरे को लगता है ना यहाँ पे केव वाला फेस आ गया, बट गाइस यहाँ पे देखो गाइस कुछ अजीब सा गाइस यहाँ पे लीफ टाइप आई, बट गाइस वो मेरे पे यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुई। तो गाइस मेरे को लगता है ना गाइस ये जो यहाँ पे जंगल बायोम वाला फेस है ना गाइस वो है, तो कुछ ऐसे लगता है। फिलहाल यार ट्रेडर भाई इतना ज्यादा परेशान कर रहा है गाइस, इसके बगल में खड़ा हो रहा भाई, इतना बड़ा मैंने वर्ल्ड बनाया वहाँ पे जाके घूम, बट गाइस नहीं इसको तो मेरे मुंह पे आके खड़ा होना था, फिलहाल इसको मैंने मार दिया। गाइस अभी मैं जो अपने माइनिंग यहाँ पे कंटिन्यू रखने वाला हूँ, देखने वाला मेरे को यहाँ पे और क्या क्या वगैरह मिल सकता है। तो फिलहाल गाइस देखो यहाँ पे जो वुड वगैरह भी आए जा रहे हैं, साथ ही साथ लीफ वगैरह, तो गाइस दिवाली लीफ है ना मेरे को यहाँ पे जो जंगल बायोम के लगे, तो मेरे को लगता है ना गाइस जंगल बायोम। तो फिलहाल गाइस कुछ ही अजीब सा गाइस एक यूनिक सा ब्लॉक मेरे पे आया है, तो गाइस इसका नाम है यहाँ पे बी हाइव करके गाइस कुछ इसका ब्लॉक का नाम है। तो गाइस काफी ज्यादा गाइस मेरे को लगा ना गाइस ये बैंबू वगैरह से कुछ तो बनाने लगे ना, काफी ज्यादा सही लग रहा है। फिलहाल गाइस देखने में तो वुड का ही लग रहा है, तो उसको तोड़ के रख लेते गाइस क्या पता आगे काम है। तो फटाफट से मैं माइंड करता हूं, भाई साहब गाइस यहां पे पांडा आ गया, वो भाई साहब गाइस ये पांडा जो है काफी ज्यादा सही लगता है गाइस देखने में। गाइस मैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड में भी गाइस अभी तक नहीं लेके आया, तो फिलहाल गाइस इसको मैं जो है यहाँ पे टेम करने वाला हूँ, गाइस काफी ज्यादा सही लगता है मेरे को देखने में। तो इसको मैं जो है लीड बांध के यहाँ से जो दूर लेके जाने वाला हूँ अभी। A few moments later. तो अभी गाइस इस पे जो ना गाइस यहाँ पे लीड नहीं लग रही है, यानी गाइस पांडा पे मेरे को नहीं पता था भाई इस पे जो लीड नहीं लगती है, तो गाइस इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा यार अपने फार्म में। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, ये साइड से गाइस यहाँ पे बोट पे बैठते होंगे, तो मैं एक फटाफट से गाइस एक बोट बना देता गाइस, उसके थ्रू फिर मैं इजीली इनको जो लेके जा सकता। अभी गाइस फाइनली भाई साहब देखो बोट तो मैंने बना ली, बट गाइस किस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ, कितना ज्यादा सही लग रहा है गाइस देखने में इसका। गाइस एक बार गाइस अब चेहरा देखो भाई, इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है गाइस देखने में, बिल्कुल गाइस सीधे टेडी बियर की तरह यहाँ पे बैठ गया। तो फिलहाल इसको मैं बोट बैठा रहा हूँ, बट गाइस ये बोट पे भी नहीं बैठ रहा, क्या शायद गाइस बोट पे भी नहीं बैठता भाई यार, गाइस ये तो काफी ज्यादा सीन है। और गाइस फाइनली बैठ चुका है, एंड भाई साहब का कितना ज्यादा सही लग रहा है भाई ने पूरी की पूरी बोट का यहाँ पे घेर लिया। एंड गाइस ये जो ना नॉर्मली गाइस पोलर बियर के कंपैरिजन में गाइस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे देखने में। एंड गाइस यहाँ पे मेरे पोलर बियर भी है, तो गाइस मैं काम करता हूँ ना इसके बगल में गाइस इनको यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे संभाल के यहाँ पे जो खड़ा कर देता फिलहाल। एंड गाइस अभी जैसे ही मेरे यहाँ पे दूसरा पांडा भी आएगा, तो गाइस इनके लिए मैं एक बढ़िया सा गाइस एक एरिया बनाने वाला था, गाइस इनको मैं यहाँ पे रख सकूं। भाई साहब कितना ज्यादा सही लग रहा है गाइस ये देखने में। एंड भाई साहब यहाँ मेरा पोलर बियर, तो भाई साहब तुम दोनों यहाँ पे आराम से बातें करो गाइस के क्या हाल चल रहा है। तो फटाफट से गाइस अभी मैं यहाँ पे माइन वगैरह कर रहा हूं, तो फिलहाल गाइस यहाँ पे एक बी भी आ गई है, तो गाइस इस बी को भी मैं ना पकड़ के रखने वाला हूं, क्योंकि इससे मेरे को ना यहाँ पे हनी वगैरह मिल सकता है, जो गाइस काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो फटाफट से इसको मेरे को यहाँ पे पकड़ना, तो गाइस ये ना उड़ गई, तो इस पे जो ना गाइस यहाँ पे लीड लगती है, बट गाइस इस पे मैं लगा नहीं पा रहा, क्योंकि गाइस ये काफी ज्यादा गंदा तरीके से फ्लाई गया। तो फाइनली गाइस इसको मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, एंड अभी गाइस इसको मुझे एक जगह पे यहाँ पे बांध के रख दिया, ताकि बाद में मैं जो इनके लिए भी एक बढ़िया सा घर बना दूंगा। इनका फिलहाल के लिए मैंने यहीं पे बांध दिया, अभी मैं माइनिंग करने वाला। ओके गाइस अभी मैं काफी ज्यादा देर से भाई साहब यहाँ पे जो माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो काफी सारी लीव्स वगैरह आ रही है, बट गाइस यहाँ पे कुछ भी कलेक्ट नहीं हो रहा है। एंड गाइस अभी मेरे पे ना एक बैंबू आ चुका है, एंड गाइस जो पांडा होते हैं ना वो यहाँ पे बैंबूज वगैरह खाते हैं, तो गाइस देखो बैंबू के वगैरह तरफ से देख रहा, बट ये अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि गाइस यहाँ पे बैठा, तो फिलहाल गाइस इसको मैं जो ना प्लांट करने के लिए रख देता, क्योंकि अभी मेरे पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बैंबू है, तो गाइस जब भी और यहाँ पे ग्रो जाएंगे तब गाइस मैं यहाँ पे आगे खिला दूंगा। तो अभी मैंने माइनिंग करना, फिलहाल यहाँ पे एक चेस्ट है, एंड गाइस यहाँ पे गाइस एक एक्स आई है आयरन के, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे काफी सारी लीव्स है। तो गाइस देखो मैंने कहीं ना कहीं जो जंगल वाली बायोम गाइस यहाँ पे जंगल लीफ, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो काफी सारी वुड वगैरह। एंड भाई साहब इस वाली आयरन एक्स में गाइस एफिशिएंसी 4 की एन्चेंटमेंट लगी है, वो भाई साहब गाइस मेरे को पहली यहाँ पे गाइस जो एन्चेंटेड यहाँ पे गाइस मेरे को टूल मिला था, गाइस काफी ज्यादा बढ़िया भाई। इस वाली एक्स को जो है ना मैं अभी यहाँ पे संभाल के रखने वाला, इसको जो है ना गाइस हम यहाँ पे बाद में। तो अभी गाइस मैं काफी ज्यादा देर से गाइस यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, गाइस जिसमें जो है काफी ज्यादा सही सही ब्लॉक भी मिल गया। फिलहाल गाइस एक और यहाँ पे इतना सारा गोल्ड,
ओ भाई साहब काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। इनका साथ ही साथ गाइस ये जो कुछ यहाँ पे वाइन्स वगैरह, तो गाइस इसको भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। इनके काफी सारे यहाँ पे जो फ्लावर वगैरह भी है, तो गाइस मेरे पे अभी एक आइडिया ना गाइस, मैं काम करता हूँ जितने भी फ्लावर वगैरह ना इसको गाइस मैं यहाँ पे इकट्ठा करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं जो है बढ़िया सा फ्लावर का यहाँ पर गार्डन बनाने वाला हूँ, जो गाइस काफी ज्यादा सही लगा। तो गाइस इसको फिलहाल बाद में बनाएंगे, तो अभी मैं जो ना सारे फ्लावर को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी गाइस मैं और भी ज्यादा देर से गाइस यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहा, लैपिस वगैरह और भी जो मुझे काफी सारी चीजें थे यहाँ पे फिलहाल के लिए मिल गई। एंड गाइस देखो यहाँ पे एक और चेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। एंड गाइस ये भी भाई बिल्कुल सेम चेस्ट गाइस देखो, वैसी गाइस इसमें मेरे को 14 यहाँ पे गोल्ड इंगट मिल गए हैं, साथ ही साथ गाइस वही सेम फ्लावर। तो गाइस बढ़िया गाइस, अब तो गाइस मैं यहाँ पे एक फ्लावर वाला फार्म गाइस बनाने वाला हूँ, जो कि गाइस एक गार्डन टाइप यहाँ पे लगने वाला है। एक तरफ से आप समझ लो भाई साहब एक बगीचा में यहाँ पे फूलों का बनाने वाला, जो गाइस काफी ज्यादा सही लगेगा देखने में। एंड गाइस इसको भी मैं जो ना यहीं पर संभाल के रख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी गार्डन अभी नहीं बनाने वाला, वो मैं कभी बाद में चल के बना। अभी गाइस मैं काफी ज्यादा देर से भाई यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, काफी ज्यादा सामान मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी तक एक और पांडा नहीं आया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक और चेस्ट आ चुकी है। एंड गाइस इसके अंदर वापस से यहाँ पे जो लीव्स वगैरह ने गाइस यहाँ पे काफी सारी जंगल भी ना, एक और यहाँ पे आयरन की एफिशिएंसी 4 की एक्स। वाओ गाइस मजा आ गया भाई साहब, काफी ज्यादा तगड़ी लूट मिलेगा। तब तो मेरे को यहाँ पे ना एंचांटेड वाली चीजें मिलना स्टार्ट हो गई, यानी गाइस अभी जो ना गाइस यहाँ पे विलेजर्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो फटाफट से गाइस मैं जो ना अभी अपनी माइनिंग वगैरह कंटिन्यू रखने वाला, देखता हूँ मेरे को यहाँ पे विलेजर मिलते हैं या फिर नहीं। तो अभी गाइस मैं और भी गाइस काफी ज्यादा देर से यहाँ पे माइनिंग तो कर रहा हूँ, बट गाइस अभी तक यहाँ पे जो गाइस विलेजर वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिला। गाइस यहाँ पे एक और चेस्ट है। एंड गाइस इस बारी भाई साहब यहाँ पे लीफ के साथ साथ भाई साहब एक एंचांटेड बुक, वो भी गाइस अनब्रेकिंग 3 की। भाई सब गाइस क्या ही तो किस्मत है भाई, अभी गाइस यहाँ पे एंचांटेड चीज टूल्स वगैरह मिल जाता है इनका, डायरेक्ट यहाँ पे जो मुझे बुक मिल गई है। इनका साथ ही साथ यहाँ पे जो ना काफी सारे वुड के यहाँ पे जो टूल्स वगैरह है, एंड यहाँ पे शील्ड वगैरह थे इनका, सीयर्स वगैरह था, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। साथ ही साथ बो वगैरह का फिशिंग रॉड, भाई साहब मैं फिशिंग भी कर सकता हूँ, काफी ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस इसको मुझे तोड़ के यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, भाई साहब काफी ज्यादा सही सही गाइस। फाइनली मेरे को एक जो एंचांटेड बुक भी मिल चुकी है। तो अभी गाइस मैं काफी ज्यादा देर से गाइस यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, गाइस मैंने काफी ज्यादा सामान वगैरह यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, बट गाइस अभी तक एक भी पांडा गाइस यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहा है। एंड गाइस फाइनली भाई साहब गाइस मेरे वर्ल्ड का गाइस ये जो मेरा पहला डायमंड है भाई साहब गाइस 1 ब्लॉक का, गाइस मैं आपको बता दूं भाई साहब मेरे को अभी तक एक भी डायमंड गाइस यहां पे देखने को मिला, बट गाइस ये जो मेरे को यहां पे फाइनली मिल चुका भाई साहब ये डायमंड गाइस, इसको मैं आयरन की पिकैक्स से खोदने वाला हूं। तो कलेक्ट हो गया। एंड भाई साहब इन्वेंटरी से कहा कि इसकी ऐसी की तैसी गाइस मेरा डायमंड इन्हें खा लिया, उनको फाइनली भाई साहब मेरे को लगा कि डायमंड मेरे यहाँ पे गायब हो गया। तो गाइस देखो डायमंड तो भाई साहब मेरे को मिल चुका है, फाइनली मेरे को अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड का यहाँ पे जो पहला डायमंड मिल गया गाइस, इतने ज्यादा दिनों बाद गाइस यहाँ पे मैं खेलने आया हूं। गाइस फाइनली मेरे को यहाँ पे पहला डायमंड मिल गया, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को। तो इसको गाइस मैं जो ना यहाँ पे संभाल के रखने वाला हूं गाइस, क्योंकि मैं जब बाद में गाइस अभी सिर्फ यहाँ पे एक डायमंड गाइस, एक डायमंड से यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। गाइस जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे तो गाइस मैं और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें से यहाँ पे बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं अपनी यहाँ पे माइनिंग को कंटिन्यू रखने वाला हूँ डायमंड के लिए। तो अभी गाइस मैं और भी गाइस काफी ज्यादा देर से माइनिंग वगैरह तो करो, बट गाइस अभी मेरे को यहाँ पे और डायमंड तो देखने के लिए नहीं मिला। बट गाइस फाइनली भाई साहब बोलते ही मिल गया गाइस, मैं अभी कह रहा था गाइस मेरे को और डायमंड यहाँ पे नहीं मिल रहे। एंड गाइस एक और डायमंड यहाँ मिलना स्टार्ट हो गया, यानी गाइस इस जंगल वाली बाय में भाई साहब यहाँ डायमंड वगैरह मिलते गाइस, मेरे को नहीं पता था गाइस इसमें मेरे को लगातार भाई साहब 2 डायमंड मिल गए, काफी ज्यादा सही है। यानी गाइस अब मैं जो कम से कम एक एंचांटेड टेबल तो गाइस यहाँ पे बना सकता हूं, यानी गाइस एंचांटमेंट टेबल जिसे कहते हैं गाइस, उसको मैं यहाँ पे फाइनली बना ही सकता हूं अभी तो फिलहाल। तो अभी गाइस मैं काफी ज्यादा देर वगैरह से गाइस माइनिंग कर रहा हूं, काफी ज्यादा स्टोन एंड काफी ज्यादा वुड भी खटे हो भाई साहब। यहाँ पे पैरट आ गया गाइस, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा भाई साहब, पूरा ब्लू कलर का पैरट गाइस, देखो कितना ज्यादा बढ़िया। एंड गाइस जितना मेरे को याद है पैरट ना गाइस यहाँ पे सीड खाते, तो गाइस मैं जो ना अपने फार्म पे चल के यहाँ पे गाइस सीड लेके आता, क्योंकि गाइस अभी मेरे पे यहीं पे है जितनी भी सीड है। तो फटाफट गाइस इसको यहाँ पे मैं कलेक्ट कर देगा, यही वाली सीड्स गाइस ये खाते हैं, इससे गाइस मैं इसको यहाँ पे पाल सकता हूं, यानी गाइस मैं जो है टेम यहाँ पे कर सकता हूं। तो फटाफट से मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे कलेक्ट करके इसको यहाँ पे खिलाने वाला हूँ जाके। तो अभी गाइस मैं इसके लिए थोड़ी बहुत सीड्स वगैरह तो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, इसको मैं जो यहाँ पे खिला भी दिया भाई साहब, कितना ज्यादा भुक्कड़ है गाइस, ये 3 सीड खा गया गाइस, ये जो यहाँ पे टेम नहीं हुआ। एंड फिलहाल भाई साहब हवा में उड़ गया गाइस, इसको यार मैं कैसे पकड़ूंगा, ये तो हवा में उड़ गया गाइस, अभी तो यार इसको मैं टेम करने वाला हूं भाई साहब, मेरी 3 सीड खा गया गाइस ये। तो फटाफट गाइस मैं जो ना और यहाँ पे सीड वगैरह उखाड़ के लाता हूँ फटाफट गाइस, देखो मेरे पे टोटल यहाँ पे 3 और आ गए। तो गाइस अब तो यहाँ पे टेम हो जाने वाला, क्योंकि इसके बाद मैं जो और यहाँ पे नहीं खिलाने वाला, क्योंकि मेरे पे जो ना और यहाँ पे सीड वगैरह नहीं है। तो फटाफट गाइस इसको मैं नीचे बुलाता हूं, ले भाई तू फटाफट से सीड गाइस यहाँ पे टेम हो जाएगा, काफी ज्यादा सही लगता है गाइस। ये जो ना हमारे यहाँ पे कंधे में आगे बैठ जाते हो गाइस, लुक वाइज काफी ज्यादा सही लगते हैं देखने में। A few moments later. तो अभी गाइस इस वाले पैरट को भाई साहब मैंने गाइस टोटल यहाँ पे 6 सीड खिला दिया गाइस, अभी तो मेरे यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है गाइस, मेरा है ना गाइस इसको यहाँ पे मारने का मन कर रहा है, बट गाइस ये देखने में ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे नहीं मार रहा। भाई साहब इतनी सारी सीड खा गया, बट गाइस ये यहाँ पे टेम नहीं होता गाइस, फिलहाल इसको मैं जो ना यहाँ पे बाद में टेम करूंगा। एंड अभी ना गाइस मेरे को जो ना यहाँ पे और माइनिंग वगैरह करनी है, गाइस मैं जो ना यहाँ पे एक और पांडा के आने का इंतजार कर रहा था, फिलहाल गाइस इसको देखो उधर की तरफ चला गया, तो फिलहाल गाइस इसको जो ना बाद में यहाँ पे टेम करेंगे। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे काफी ज्यादा देर से माइनिंग कर रहा हूं, गाइस यहाँ पे गाइस एक हर्ट वाली चेस्ट है, इस वाली चेस्ट में काफी ज्यादा तगड़ा यहाँ पे सामान मिलता है, तो उसको गाइस मैं खोल के देखने वाला गाइस मैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। इतनी सारी बोन्स, साथ ही साथ यहाँ पे स्पॉनर,
तो गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे गाइस एक ज़ॉम्बी स्पॉनर आ गया गाइस। साथ से हंड गाइस देखो ये मॉन्स्टर स्पॉनर है, एंड साथ साथ गाइस यहाँ पे एक स्केलेटन का एग भी है। यानी गाइस अब मैं जो है ना यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बना सकता हूँ भाई साहब, कितनी ज्यादा बढ़िया बात है गाइस। डायरेक्टली गाइस देखो मेरे को यहाँ पे जो स्पॉनर मिल गया, इसके अंदर जैसे यहाँ पे मुझे एग डालूंगा गाइस, ये जो स्पॉनर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी मदद से मैं जो है ना गाइस यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बना सकता हूँ। तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया, इसको यहाँ पे संभाल के रखा था गाइस, ये जो है ना बिल्कुल भी गाइस ये जो सिल्क टच से भी यहाँ पे जो कलेक्ट नहीं होता गाइस, मेरे को जो है इसको यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं पे संभाल के रखता हूँ। साथ ही मैंने अपना डायमंड भी रख दिया गाइस। इसके नीचे भी गाइस एक चेस्ट है, तो इसको भी ओपन करके मैं देखने वाला हूँ इसके अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा। एंड इसके अंदर देखो इस बार ही मेरे को जो गोल्ड की जगह यहाँ पे काफी सारा आयरन मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे सेम तरीके से मेरे को जो काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पे फ्लावर वगैरह मिले, तो इन सबको भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर, संभाल के रख देते। ओके गाइस अभी मैं काफी ज्यादा देर से माइंड कर रहा हूँ। फाइनली गाइस मेरे पे यहाँ पे जो दूसरा वाला पांडा भी यहाँ पे आ चुका है। अभी मेरे पे जो है ना गाइस यहाँ पे टोटल दो पांडा हो गए हैं। एंड गाइस देखो इस तरीके से गाइस मैं जो यहाँ पे बैम्बू दिखाएगा अपनी तरफ यहाँ पे बुला सकता हूँ। एक को मैंने यहाँ पे बोट में बैठाया, तो फटाफट इसको मैं इस जगह पे यहाँ पे बंद कर देता हूँ आराम से। एंड गाइस लो भाई साहब ये भी जो गाइस यहाँ पे डायरेक्टली बोट में बैठ गया, भाई साहब कितने ज्यादा सही लग रहा है इनकी लुक देखो, भाई साहब सामने का कितना ज्यादा सही लग रहा है इनका फेस देखने में। एंड गाइस अभी भाई देखो जिस भी तरफ गाइस मैं जा रहा हूँ उस तरफ गाइस ये देखने को, गाइस मेरे हाथ में यहाँ पे बैम्बू। एंड गाइस अभी मैं जो है गाइस इनको यहाँ पे नहीं खिलाना है, क्योंकि गाइस मेरे को जो है इनके लिए छोटा सा एरिया टाइप यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंड गाइस ताकि जो है आराम से यहाँ पे रहे, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, तो फटाफट मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे पहले माइनिंग कर लूँ। अभी गाइस मैं जो थोड़े बहुत यहाँ पे फेंस वगैरह बना के लेके आ गया, उनका इनको मैं जो है एक एरिया में यहाँ पे बंद कर देता था, इनको जो है खुला छोड़ पा, क्योंकि बोट में यार काफी ज्यादा अजीब से लगेगा। पांडा जो है यहाँ पे जो खेलते हुए अच्छे लगते हैं, कोई भी एनिमल होगा वो जो है इधर उधर जो है घूमता हुआ ज्यादा मेरे को अच्छा लगता था, इसलिए मैं जो छोटा सा एरिया बनाया था उसके बाद मैं जो इनके बोट तोड़ दूंगा। यहाँ पे मेरे पे जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ मेरे को जो एक और पांडा यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका था। देखो ये रहा यहाँ पे एक पांडा मैंने ऑलरेडी रखा है, यानी कि अभी मेरे पे टोटल यहाँ पे 3 पांडा हो गए। इसको भी मैं जो डायरेक्टली लेके चलता हूँ अपने इस वाले फार्म के अंदर। A few moments later. तो अभी गाइस मैंने देखो गाइस ये तीनों के तीनों पांडा गाइस इसके अंदर यहाँ पे कर दिया, बट गाइस अभी मैंने जो इनके यहाँ पे बोट नहीं तोड़े गाइस, देखो किस तरीके से गाइस वहाँ पे बैठा हुआ भाई साहब कितने ज्यादा सही लग रहा है। गाइस अभी मैं जो है इनके यहाँ पे बोट भी तोड़ने वाला था गाइस, ये भी जो यहाँ पे आजाद हो जाए, तो फटाफट गाइस मेरे को जो है काफी ज्यादा ध्यान दो भाई साहब। गाइस मैंने गलती से मार दिया, मैं जो इनके बोट में यहाँ पे तोड़ना चाहता था, तो गाइस ये जो है यहाँ पे मर सकता है, इसलिए मेरे को जो है बिल्कुल यहाँ पे गाइस कॉर्नर पे मेरे को मारना पड़ा। फटाफट गाइस देखो भाई साहब इसको डैमेज पड़ रहा है, ये मर जाएगा, मेरे को लग रहा है गाइस ये मर जाएगा भाई साहब। ये देखो यहाँ पे बोट पे एम है, बट गाइस ये बोट एम और लो भाई साहब यार गाइस मेरा एक पांडा यहाँ पे मैंने मार दिया गलती से। अब शिट यार गाइस अभी मेरे यहाँ पे दो पांडा है गाइस, अब मेरे को काफी ज्यादा ध्यान से यहाँ पे करना पड़ेगा गाइस, अगर ये मर गया ना गाइस मैं और यहाँ पे पांडा नहीं ला पाऊंगा। तो फ्रॉज इसको मैंने फाइनली तोड़ दिया गाइस, देखो यार अभी मेरे पे दो पांडा है यार, बट गाइस मैंने जो ना अपने एक पांडा को यहाँ पे गलती से मार दिया बोर्ड को तोड़ने के चक्कर में। तो अभी गाइस देखो गाइस इन वाले पांडा गाइस मैं जो ना बैम्बू भी खिला दे, क्योंकि इनके जो ना हेल्थ वगैरह पे कम हो गई थी गाइस लास्ट टाइम पे, थोड़े बहुत गाइस इन पे शॉट वगैरह लग गई थी। एंड गाइस एक पांडा तो यार मैंने गलती से यहाँ पे मार दिया था, तो फिलहाल गाइस देखो इसको तो मैंने यहाँ पे रख दिया गाइस। अभी मैं जो ना गाइस यहाँ पे एक छोटा सा फेंस गेट भी लगा था गाइस, मैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली अंदर बाहर कर सकूं गाइस, ताकि तब भी मेरे को यहाँ पे जो बैम्बू वगैरह इन्हें खिलाना पड़े तो मैं इजीली यहाँ पे खिला पाऊँ। लेकिन फिलहाल यार काफी ज्यादा सही लग रहा है, फिलहाल इनको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फटाफट से अपनी जो है ना माइनिंग को हम पे कंटिन्यू रखने वाला। तो अभी गाइस मैं वापस से भाई साहब काफी ज्यादा देर से तो माइनिंग कराने का, यहाँ पे भाई साहब एक और डायमंड। एंड गाइस अभी मेरे पे जो टोटल यहाँ पे 3 डायमंड हो जाएंगे, तो फटाफट से गाइस इसको भी यहाँ पे तोड़ के मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। फाइनली गाइस एक और डायमंड गाइस, यानी अब मैं जो कम से कम एक डायमंड की पिकैक्स तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। तो फटाफट से गाइस मैं और यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, देखता हूँ और डायमंड मिलते हैं या फिर। तो अभी गाइस मैं जो है ना गाइस इन वाले पांडा को गाइस कहीं और यहाँ पे शिफ्ट करने वाला, क्योंकि गाइस ये जो ना काफी ज्यादा अजीब से लग रहा है गाइस, ये बीच रास्ते में गाइस मैंने इनके लिए बना दिया, क्योंकि गाइस वहां से ना मेरा जो यहाँ पे फार्म का भी गाइस यहाँ पे रास्ता जाता है, इसलिए गाइस मैं जो है कहीं और यहाँ पे शिफ्ट करने वाला। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे काफी सारे स्लैब्स वगैरह बनाने वाला हूँ, इसका साथ ही साथ काफी सारे फेंस वगैरह बनाने वाला हूँ, इनको मैं इस जगह से शिफ्ट करने वाला हूँ किसी और जगह के। ओके गाइस अभी देखो इनको यहाँ पे शिफ्ट करने का सबसे बढ़िया जगह गाइस जो मेरे एनिमल का गाइस छोटा सा मैंने जो फार्म टाइप यहाँ पे बनाया था गाइस एरिया वगैरह जहाँ पे गाइस मैंने इन्हें रखा है, तो गाइस मैं इसके बगल में गाइस यहाँ पे एक और यहाँ पे जो सर्कल की शेप का यहाँ पे गाइस जो है प्लेटफॉर्म बनाने वाला, ताकि गाइस यहाँ पे मेरे पांडा जो इजीली यहाँ पे रह सके, एंड गाइस इनको जो कुछ भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो फटाफट से गाइस मैं जो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाने वाला हूँ, और उसके बाद गाइस मैं जो है इसको चारों तरफ से यहाँ पे फेंस से गाइस यहाँ पे कवर कर दूंगा, जैसे गाइस मैंने पहले वाला फार्म भी यहाँ पे कराया, ताकि गाइस वो जो है यहाँ से बिल्कुल भी गाइस जो इधर उधर होकर जो नीचे ना गिरे, एंड गाइस वो जो कहीं यहाँ पे मर ना जाए, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे गाइस एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ। उसके बाद आप सभी लोगों को मिलता है गाइस।
इसको मैं जो ना यहाँ पे सर्कल में बनाने वाला। तो अभी गाइस फाइनली देखो ये सर्कल तो गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बस गाइस मेरे को जो इसके साइड साइड में गाइस यहाँ पे जो स्टोन के यहाँ पे जो स्लैब लगाने, जैसे गाइस मैंने जो गाइस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में यहाँ पे कराई है। एंड गाइस बाद में जो इन स्टोन के ऊपर मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे फेंसिस वगैरह। एंड गाइस इसको मेरे को जो ना सर्कल को भी मेरे को यहाँ पे बीच से भी फिल करना पड़ेगा ताकि गाइस ये जो प्रॉपर यहाँ पे सही लगने वाला है। तो फटाफट गाइस सबसे पहले मैं जो ना जितने भी मेरे पे जो कोबल स्टोन के यहाँ पे स्लैब है इन सबको गाइस मैं जो इसे चारों तरफ से यहाँ पे जो कवर करने वाला। एंड गाइस उसके बाद में जो बीच से फिल करूंगा उसके बाद यहाँ पे मेरे को लगाना है चारों तरफ फेंस और उसके बाद हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट। तो ओके गाइस फाइनली गाइस देखो मैंने इसे बीच से फिल कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो कोबल स्टोन यहाँ पे लगा दिया। एंड गाइस अब मेरे को यहाँ पे पूरे में फेंस लगाने ताकि ये यहाँ से जो मेरा एक भी पांडा ऐसे जो नीचे ना गिरे। तो इसलिए गाइस यहाँ पे जो फेंस वगैरह लगाना जो गाइस काफी ज्यादा सही भी लगता है, इससे ना काफी ज्यादा इजीली होते गाइस। कल को अगर गाइस मैं भी यहाँ पे आऊँ तो गाइस मैं भी जो यहाँ पे गलती से भी नीचे ना गिरता, क्योंकि मैं अगर मैं ऐसे गिरा तो मेरा सारा सामान यहाँ से चले जाएगा। तो फटाफट गाइस आराम आराम से मैं जो पूरे एरिया में गाइस यहाँ पे फेंस वगैरह लगा के इसे कर देता हूँ कंप्लीट। गाइस ये हो गया पूरा यहाँ पे कंप्लीट। अब बस मैं यहाँ पे जाके लाने वाला हूँ अपने यहाँ पे पांडा को दोनों। ओके गाइस अपने पांडा को लाने के गाइस देखो मैं अगर गाइस उस वाले रास्ते से यहाँ पे लाऊंगा ना तो गाइस वहाँ पे मेरे एनिमल है वो गाइस यहाँ से भाग के जो बाहर निकल जाएंगे, जो गाइस मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे एक ट्रिक लगाने वाला हूँ। ट्रिक नहीं गाइस, मैं यहाँ पे मैं जो ना छोटा सा गाइस एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाने वाला जिसको गाइस मैं कनेक्ट करने वाला हूँ डायरेक्टली अपने यहाँ पे पांडा से ले जाकर। एंड गाइस उसके बाद मैं जो गाइस उनको यहाँ पे बैम्बू दिखा के लाने वाला ताकि गाइस वो काफी ज्यादा इजीली यहाँ पे आ जाए। एंड गाइस उसके बाद मैं जो उनको डायरेक्टली यहाँ पे जो फार्म के अंदर यहाँ पे बंद कर दूंगा। एंड गाइस वो जो मेरे यहाँ पे जो पेट यहाँ पे बन जाएंगे। तो फटाफट से गाइस मैं एक छोटा सा टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ओके गाइस अभी फाइनली गाइस देखो इस प्लेटफॉर्म को गाइस मैंने यहाँ पे लाके तो कनेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे पांडा को ले आने वाला हूँ, बट गाइस मैं पांडा के जगह सोच रहा था गाइस मैं जो अपने यहाँ पे पोलर बियर को लेके चल जाता, क्योंकि गाइस ये जो ना टोटल यहाँ पे 4 है, पांडा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 है। तो गाइस मैं पहले जो ना पोलर बियर को यहाँ पे अंदर कर देता फटाफट। गाइस देखो इनको अंदर करने मेरे को फेंस तोड़नी पड़ेगी, बट यार गाइस इनको मैं अंदर कैसे करूंगा यार। गाइस मेरे पे जो ना यहाँ पे क्या कहते हैं उन्हें ये गाइस ये पोलर बियर क्या खाते हैं गाइस ये मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। बट गाइस ये जो पांडा यहाँ पे जो है बैम्बू खाते हैं इसलिए गाइस ये मेरे को पता था। इसलिए मैं पहले यहाँ पे पांडा को लेके जाने वाला हूँ। गाइस जब बाद में कभी मेरे पे यहाँ पे लीड आएगी तब मैं जो है गाइस यहाँ पे पोलर बियर को यहाँ पे अंदर कर दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पांडा को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ना काफी ज्यादा ईजी है। अगर गाइस मैं यहाँ पे पोलर बियर को लेके जाने लगा तो वैसा काफी ज्यादा दिक्कत होगी। एंड गाइस 100% भी नहीं गया वो जो वहाँ पे जाने वाला। तो फटाफट से पहले मैं दोनों पांडा को अपने फार्म पे लेके चले जाता हूँ। तो फाइनली गाइस एक पांडा तो भाई साहब देखो किस तरीके से गाइस मेरे यहाँ पे पीछे पीछे आ रहा है, दूसरा आलम थोड़ा सा पीछे छूट गया तो गाइस उसको भी यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। लेकिन बट मैं जो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो एक पांडा को यहाँ पे अंदर यहाँ पे कर देता हूँ। गाइस देखो किस तरीके से काफी ज्यादा स्लो आ रहा है, बट गाइस काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है देखने को। इनका कलर गाइस मेरे काफी ज्यादा सही लग रहा है। फटाफट गाइस देखो एक को मैं यहाँ पे ला चुका हूँ एंड इसको मैं जो यहाँ पे बंद करने वाला। फटाफट गाइस मैं जाके जो दूसरा पांडा लाके लेके आने वाला। तो फटाफट गाइस देखो ये रहा मेरा दूसरा पांडा। इसको जो ना गाइस यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे अटक जाता था, इसको जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे धक्का मार के अंदर लाना पड़ेगा। तो देखो ये वापस यहाँ पे अटक गया। तो अभी गाइस इसको देखो मैं इस तरीके से यहाँ पे धक्का मारूंगा, ये जो है यहाँ पे इजीली आ जाएगा। इसके बाद गाइस देखो सिंपली हम मेरे को जो है यहाँ पे बैम्बू दिखा के लेके जाना गाइस अपने पीछे। भाई साहब अभी गाइस नीचे चले जाता तो मैं जो साइड साइड से गाइस को यहाँ पे लेके चलता। देखो गाइस इतना ज्यादा स्लो चलता है ना, बट गाइस ये काफी ज्यादा सही लगता है देखने में। गाइस देखो एक पांडा मैंने यहाँ पे अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। तो फटाफट गाइस इस वाली फेंस को तोड़ते गाइस इस वाले पांडा को मैं लेके आता हूँ। आ जा आराम से आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट गाइस देखो तेरा साथी भी यहीं पे बैठा है। इनका इसको मैं जो है जाते आते थोड़ी बहुत यहाँ पे बैम्बू वगैरह खिला दूंगा ताकि इनका जो यहाँ पे पेट भी भरा रहे। एंड गाइस ये जो यहाँ पे ब्रीडिंग करेगा और भी यहाँ पे जो पांडा के बेबी यहाँ पे लेके आ जाए जो गाइस काफी ज्यादा क्यूट लगेगा देखने में। तो फटाफट कहते हैं देखो इन दोनों को गाइस मैंने यहाँ पे कैप्चर करेगा किस तरीके से यहाँ दिख रहा है। गाइस ये प्लेटफॉर्म रिमूव करने से पहले गाइस मैं जो ना थोड़ा बहुत यहाँ पे बैम्बू वगैरह भी खिला देता है गाइस ये जो यहाँ पे ब्रीडिंग करके और भी यहाँ पे पांडा वगैरह लेके आ जाए। तो देखो भाई साहब किस तरीके से भाई खा रहे गाइस इतना ज्यादा सही लग रहा है गाइस ये दोनों देखने में। तो फटाफट कहते देखो उनको मैंने सारा बैम्बू यहाँ पे खिला दिया है। एंड अब गाइस जितना भी मैंने टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया था इन सबको मैं यहाँ से हटा के रिमूव कर दूं। ओके गाइस पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी गाइस यहाँ पे मैंने रिमूव वगैरह कर दिया। एंड गाइस अभी मैं जो यहाँ पे माइनिंग वगैरह गाइस यहाँ पे कंटिन्यूसली करने वाला, क्योंकि अभी मेरे को जो ना काफी सारा सामान वगैरह चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो यहाँ पे एक्सपी फार्म वगैरह भी बनाने वाला हूँ जिसमें गाइस काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी गाइस देखो मैं काफी ज्यादा सामान वगैरह इकट्ठा कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे चेस्ट आएगा इनका, इसके अंदर भी यहाँ पे जो आयरन वगैरह है, साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारा फ्लावर वगैरह भी है। तो इस सबको गाइस यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ भाई साहब इस तरीके तोड़ के करता हूँ ताकि ये जो ना काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पे मेरे पे आके कलेक्ट हो जाए। तो अभी गाइस फाइनली देखो मैं काफी ज्यादा यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैं जो ना काफी सारी पिकैक्स यहाँ पे जो टूट भी चुकी है। तो फटाफट तो भाई साहब मैं अब एक पांडा का जी वाला पांडा देखो भाई साहब
गाइस कितना ज्यादा लग रहा है गाइस इसको देखो भाई साहब, ये जो डायरेक्टली हमें बैम्बू खाते खाते एंड गाइस कितना ज्यादा सही लग रहा है यार ये देखने में। एंड गाइस इसका कलर ही भाई साहब कितना ज्यादा यूनिक है, ये देखो जो नॉर्मल पांडा था ना गाइस उसका कलर था यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, एंड गाइस इसका जो कलर है यहाँ पे गाइस ये ब्राउन एंड गाइस व्हाइट कलर का जो गाइस काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई साहब। इसके लुक देखो भाई साहब कितना ज्यादा यूनिक है, कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा उससे। तो फटाफट से इसको मैं जो अपने फार्म में अंदर करने वाला, तो फिलहाल इसको मैं एक बैम्बू यहाँ पे खिला देता हूँ। एंड गाइस अभी यहाँ पे जो है रात होने वाली गाइस फटाफट से पहले मैं सो जाऊंगा, जब भी फिलहाल के लिए मैं जो है बोट में बैठा के रखने वाला हूँ भाई साहब। कितना ज्यादा सही कलर का गाइस मेरे को पांडा मिलेगा, इसकी शक्ल देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, कलर भी गाइस इसका काफी ज्यादा यूनिक। तो फाइनली गाइस देखो यहाँ पे मैं सोके भी उठ चुका हूँ गाइस, इस पांडा को देखो भाई साहब कितना ज्यादा बढ़िया तरीके का यहाँ पे जो मैं बोट पे बैठा हूँ भाई साहब कितना ज्यादा सही लग रहा है। तो गाइस इसको मैं जो ना बाद में यहाँ पे फार्म पे अंदर करूंगा, अभी मैंने जो ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म तोड़ दिया, तो गाइस इसको अंदर करने के लिए मेरे को वापस से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो गाइस मैं बाद में यहाँ पे बना दूंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ बोट पे बैठा हूँ गाइस, कहीं भी नहीं जाएगा। एंड अभी भाई साहब यहाँ पे एक और चेस्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेरे को वापस से गोल्ड मिलाएगा, फटाफट से इसको भी यहाँ पे तोड़ के मैं इस तरीके से कलेक्ट करने वाला हूँ। देखो एक बार भाई साहब सारा का सारा फ्लावर्स यहाँ पे जो गाइस मेरे पे कलेक्ट हो गए। एंड अभी गाइस माइनिंग कर रहा हूँ भाई साहब वापस से गाइस यहाँ पे जो बेड रॉक आ गया। एंड गाइस अभी जो गाइस मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि गाइस यहाँ पे जो और कौन सी नई वाली बायोम आने वाली है। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे जो जंगल बायोम चल रही थी गाइस वो तो यहाँ पे जा चुके हैं, अभी यहाँ पे गाइस कोई नई बायोम आ गई तो उसमें भी यहाँ पे माइनिंग वगैरह करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो अपने यहाँ पे इन्वेंटरी वगैरह का खाली कर देता, भाई साहब काफी सारे फ्लावर वगैरह हुए। एंड गाइस जब कभी मैं यहाँ पे जो अपना फ्लावर वाला गार्डन यहाँ पे बनाऊंगा जो गाइस काफी ज्यादा सही लगेगा देखने में, तो फटाफट से जितने फ्लावर वगैरह इनको मैं यहीं पर रखता हूँ भाई साहब। काफी सारे वाइंस वगैरह भी है। एंड गाइस ये जो काफी सारी मेरे पे कोको बीन्स वगैरह का इसको मैं जहाँ पे प्लांट करूंगा, देखूंगा इससे मेरे को जो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता था। फिलहाल गाइस देखो काफी सारे फ्लावर हैं, इससे मैं जो ना काफी सारी अलग अलग कलर के यहाँ पे डाई वगैरह भी बना सकता हूँ, जिससे मैं जो काफी ज्यादा अपने जो बेड वगैरह इनका वूल वगैरह कलर दे सकता हूँ। फिलहाल भाई साहब यहाँ पे देखो गाइस बायोम चेंज तो हुई है, एंड गाइस यहाँ पे जो गाइस एक सी लैंटर्न आ चुका है, यानी गाइस मेरे को लगता ना गाइस यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे सी वाला जो गाइस यहाँ पे बायोम होते बायोम तो नहीं होती गाइस, वो गाइस एरिया समझ यानी गाइस ओशन समझ सकते हो। एंड गाइस देखो यहाँ पर लगातार सी लैंटर्न आ रही है। एंड गाइस यहाँ पे जो प्रिज्मरीन वाले ब्लॉक आ जाते हैं, एंड गाइस ये वाले ब्लॉक जो होते हैं ना गाइस ये जो होते हैं यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट में। एंड गाइस हाँ देखो भाई साहब ये जो वाले ब्लॉक होते हैं ना गाइस ये जो आते हैं यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट में, एंड गाइस इसका मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट आ चुका है। एंड गाइस हाँ देखो भाई साहब ये जो कहते हैं प्रिज्मरीन ब्रिक्स, एंड गाइस ये जो यहाँ पे डार्क प्रिज्मरीन यानी गाइस यहाँ पे जो अभी बायोम आए ना ये जो है गाइस एक तरफ से आप समझ लो यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट वाली बायोम आ गई है। देखो कितने सारे ब्लॉक वगैरह आ रहे हैं इसके। तो अभी गाइस देखो भाई साहब काफी ज्यादा देर से हम माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे गाइस यहाँ पे ब्रेक वगैरह आए जा रहे हैं। देखो काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे ब्रेक वगैरह मिल गया। एंड साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे जो फायर कोलर वाला का कुछ ये ब्लॉक मिला था, इसको मैंने रख लिया। एंड फिलहाल यहाँ पे चेस्ट आई है, एंड जिसमें इतनी सारी पफर फिश भाई साहब गाइस कितनी ज्यादा सही चीजें हैं। इससे मैं जो है यहाँ पे क्या कहते हैं पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग यहाँ पे बना सकता, बट गाइस यहाँ पे तो यार इतना वाटर है ही नहीं गाइस जहाँ पे मैं जाके मैं ब्रीथ करूँ। तो फिलहाल गाइस इसको मैं यहाँ पे कलेक्ट किया था, साथ ही साथ गाइस यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर ब्रीथिंग भी आई है। एंड यानी गाइस इसमें जो पफर फिश है भाई साहब यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे टर्टल भी आ चुका है, एंड यहाँ पे गाइस आ चुके एक फिश। तो फिलहाल इसको गाइस मैंने बकेट में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, इसको मैं जो है कहीं और यहाँ पे रखने वाला था ताकि गाइस ये मर ना जाए, इसलिए मैं जो यहाँ पे रख दिया। भाई साहब कितना ज्यादा सही लग रहा है यार टर्टल, तो फटाफट से गाइस मैं जो गाइस इस वाली शिप को ना गाइस फिश को यहाँ पे रख देता हूँ। गाइस देखो कितनी ज्यादा सही गाइस अभी यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे स्विम कर रही है, तो गाइस काफी ज्यादा सही लग रही है यहाँ पे। तो इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे वाटर भी है, तो इसको मैंने कलेक्ट कर लिया, साथ ही यहाँ पे और भी ब्लॉक आए। तो फिलहाल गाइस इस टर्टल को गाइस मेरे को कहीं और यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगा। तो फिलहाल भाई साहब काफी ज्यादा सही से सामान आ रहा है, गाइस देखो यहाँ पे वाटर वगैरह भी आ रहा है यहाँ पे लगातार। एंड गाइस अब की बार एक और चेस्ट आएगा जिसके अंदर आएगा यहाँ पे नॉटिला शेल आया, तो इसका गाइस मेरे को यहाँ पे यूज नहीं पता, तो गाइस यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना गाइस इसका यहाँ पे क्या यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो अभी गाइस मैं काफी ज्यादा देर वगैरह गाइस यहाँ पे माइनिंग वगैरह का लगातार करे जा रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक आ गया गाइस देखो डायरेक्टली, एंड गाइस यहाँ पे एक डॉल्फिन भी आ गई है। तो फिलहाल गाइस देखो गोल्ड ब्लॉक तो मैंने कलेक्ट कर लेंगे, इस डॉल्फिन को क्या मैं बकेट में भर सकता हूँ जैसे गाइस मैंने यहाँ पे फिश को भरा था, तो गाइस मेरे को नहीं पता गाइस। तो फिलहाल मैंने वाटर डालेंगे, ये जो यहाँ पे वाटर से बाहर आ गया, गाइस देखो किस तरीके से यहाँ पे जंप करेगा गाइस ये जो यहाँ पे मर ना जाए, तो गाइस मरनी तो नहीं चाहिए अभी तक क्योंकि इसकी यहाँ पे हेल्थ नहीं जाए, तो गाइस शायद से जो यहाँ पे नहीं मरेगी। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे और माइनिंग वगैरह करता हूँ, इस डॉल्फिन को जो मैं बाद में एक छोटा सा एक्वेरियम बना के उसके अंदर जाके जो इसको यहाँ पर रखना। तो चलो गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी हो। एंड गाइज आपको ये वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, एंड गाइज जरा सा भी गाइज अगर आपको मजा आया तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड गाइज चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गाइज अब जो मैं इस माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक की सीरीज को यहाँ पे जो कंटिन्यू रखने वाला, तो गाइज काफी ज्यादा तगड़े तगड़े से एपिसोड भी चैनल पे आने वाले हैं, तो गाइज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइज कि हमें
नेक्स्ट एपिसोड में गाइज वन ब्लॉक के हमें यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। तो गाइज अभी देखो मेरे पे गाइज यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी है, साथ ही साथ मेरे पे जो काफी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो एनिमल्स भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो गाइज मेरे को जरूर से गाइज यहाँ पे कमेंट में बताना कि गाइज हमें नेक्स्ट एपिसोड में गाइज यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, गाइज कि हमें यहाँ पे एक्सपी फार्म बनाना चाहिए या फिर गाइज हमें जो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स है गाइज इन सभी के लिए गाइज एक बढ़िया सा एक बान बनाना चाहिए जिसमें गाइज मैं इन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे जो रख सकूँ। तो गाइज ये मुझे जरूर से कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।